पहले आपको स्पष्ट रूप से एक चीज समझना पड़ेगा, बिजली वह वस्तु है जिसको संचित करके रखा नहीं जा सकता। बिजली अगर उत्पादित हुई है तो उसका आपको ग्रिड में डाल के आपको सर्कुलेशन करना होगा और ग्रिड के जरिए वह फैक्ट्रियों और आपके घरों तक पहुंचेगी। छत्तीसगढ़ 2000 में जब से बना है तब से छत्तीसगढ़ में बिजली सरप्लस है और आज 2019 में भी छत्तीसगढ़ के जो हालात है वहाँ बिजली सरप्लस है। आपको दो बातें समझना पड़ेगा, जहां तक मैंने जो समझा है कि आखिर मामला गड़बड़ हुआ कहां और गड़बड़ी कहां से हो रही है। खासतौर से रमन सिंह के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ को एक खून की तरह जो है नोचा खसोटा गया, छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से जो है खोखला कर दिया गया। घटिया ट्रांसफार्मर जो सप्लाई किए गए थे रमन सिंह के कार्यकाल में, घटिया ट्रांसफार्मर एक बहुत बड़ा जो है खामियाजा, उसका आज भी बिजली सप्लाई में भुगतना पड़ रहा है और ट्रांसफार्मर बार बार खराब हो जा रहे हैं। तमाम गुणवत्ता विहीन जो उपकरण लगाया गया जो पिछले 15 सालों में, वह गुणवत्ता विहीन उपकरण जो है खराब बिजली सप्लाई का एक बहुत बड़ा कारण है। और खासतौर से ये 2 महीना अगर आप देखेंगे तो ये बारिश के पूर्व छत्तीसगढ़ में अंधड़ तूफान ये चलते हैं और उन अंधड़ तूफानों के चलते जो है उड़ीसा से वो हवाएं आती हैं, आधी बारिश होती है, उन आधी बारिशों में कई पेड़ जो है टूट के गिरते हैं, बिजली के तारों से सप्लाई उसमें भी बाधा होती है, एक कारण ये भी है। आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो विद्युत विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं 2018 की तुलना में बिजली कटौती जो हुई है वह आधी से भी कम है अभी 2019 में। तो कहीं ना कहीं से जो अफवाह तंत्र जो इनका काम करता है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का, उसका हाथ मेरे को अधिक लगता है। और वीडियो जो है व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए वायरल हुए, हाँ निश्चित रूप से राजद्रोह जो लगा वो गलत हुआ और गलत लगा मुख्यमंत्री को भी। मुख्यमंत्री ने तुरंत तत्काल संज्ञान लेते हुए वो राजद्रोह का मामला जो है हटाया, उसको धाराएं मुख्यमंत्री ने आदेशित किया और ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई करने मुख्यमंत्री ने बोला। तो इसका भी आपको मुख्यमंत्री को साधुवाद दिखे देना होगा जो है। तो अफवाहों से सावधान रहिए। और रही बात 1912 टोल फ्री नंबर है विद्युत विभाग का, 1912 टोल फ्री में लगाइए, तत्काल समस्या का निदान होता है। दर्शकों को भी मैं बताना चाहूंगा कि 1912 नंबर है, टोल फ्री नंबर है विद्युत विभाग का, उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई। और रही बात, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे यहाँ पिछले 10 दिनों से कोई भी बिजली कटौती नहीं हुई है, और जिसको लगता है कि बिजली कटौती हो रही है तो बिजली के नंगे तारों में झूल के देख ले, उसको पता चल जाएगा कि बिजली सप्लाई है या नहीं। या ज्यादा अगर छत्तीसगढ़ में किसी को दिक्कत है तो पाकिस्तान चले जाए, जहां पे मोदी जी के अडानी जो है वो बिजली सप्लाई कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में बिजली सप्लाई शायद ज्यादा अच्छी, अगर इन लोगों को लगता है अफवाह फैलाने वालों को, क्योंकि वहां पे अडानी की बिजली जा रही है। ठीक है कुणाल जी, चलिए मतलब आप और सरप्लस राज्य था, सरप्लस राज्य है, इन सब के बावजूद राजकुमार जी आपके पास आना चाहूंगा। अभी बात हुई, कुणाल शुक्ला जी ने कहा